हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया है कि मैंने आज सूखतो और माचे झोल कैसे बनाया है। तो यहाँ पे बन रहा है, आप देखिए, आलू भाजा, भात भी हो चुका है, दाल हो चुका है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। चिमनी चल रही है, बोल के थोड़ा नॉइज होगा, तो मैं थोड़ा सा हिला देती हूँ मेरा आलू भाजा। आज ब्लॉग बहुत देर से मैंने स्टार्ट किया है, अभी फ़िलहाल 1 बज रहा है पूरा। तो आज लेट हो गया क्योंकि वेदर थोड़ा सा बारिश हो रहा है सुबह से उठ के, तो इस वजह से ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया। ब्रेकफास्ट की, उसके बाद मेरा बेटा का ओरल एग्ज़ाम आने वाला है तो उसका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर लंच बिठा के डाइट मैंने लंच बिठा दिया, उसके बाद मैं अभी डाइनिंग टेबल में आई हूँ। तो आज मंडे है, ये दिन मंडे के दिन मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो ये मंडे है, मंडे में आज मेरे हस्बैंड ने एक के वेजिटेबल्स मार्केट से खरीद के लेके आए, ये रहा सब। तो उनका बाज़ार हो चुका है तो इनको साफ उन्होंने अच्छा से कर दिया है, सैनिटाइज कर दिया है। अब इसके बाद मैं इनको लेके जाके फ्रिज में रख दूँगी, तो इसको पहले मैं बिठा देती हूँ। तो बहुत गर्मी दे रही है अभी, और अभी 1 बजना है तो ऑलमोस्ट कुछ देर बाद मेरे बच्चों लगा लंच भी होने वाला है। अभी वो लोग अपने अपने घर में खेल रहे हैं, मेरा बेटा मोबाइल लेके बैठा है, मेरा बेटी भी एज यूजुअल। हस्बैंड घर का बहुत सारा काम कर किए हैं क्योंकि हाउसमेट नहीं आ रही है, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है। काम करने के बाद अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। तो इन वेजिटेबल्स को मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। आज का लंच में जो मैंने सूखतो बनाया है उसमें मोस्टली सोसे एंड पोस्ते यूज़ होता है और दूध यूज़ होता है, लेकिन मैं वो अगर अवेलेबल होता तो उससे भी बनाती हूँ। तो जब मेरे पास नहीं रहता वो इंग्रेडिएंट्स, पोस्तो सोसे या पोस्तो नहीं होता है, तब मैं ये इस टाइप का मैं सूखतो बनाती हूँ। ये बिना पोस्तो और सूखतो का ये रेसिपी है, तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग ऐसे ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। और मच्छी का झोल में मैंने सब रकम का वेजिटेबल्स दिया है क्योंकि अभी भी मिल रहा है सब रकम का वैरायटी वेजिटेबल्स, तो ज़रूर डालिए, तो इससे झटपट भी हो जाता है, ज़्यादा आइटम बनाना भी ज़रूरी नहीं पड़ता है। मेरा डॉगी भोलू और व्यवस्था के डॉगी सब भौंक रहे हैं तो सब रकम का वेजिटेबल्स देखिए बनाएंगे तो ज़्यादा वैरायटी वेजिटेबल्स नहीं बनाना पड़ रहा, तो इसलिए आज मेरा लंच में सूखतो और मच्छी का झोल बना है और कल का आम का चटनी बना हुआ है तो वो मुझे नहीं बनाना पड़ रहा है। और बच्चों लोग के लिए आलू भाजी दाल भात ही बनाऊँगी, उनको ऑमलेट कर दूँगी, बना दूँगी ऑमलेट। तो आज मेरा यही है लंच में। तो आज का मैंने लंच आपके साथ शेयर किया कि मैंने आज लंच में क्या बनाया है। तो लंच मोस्टली आज मंडे है, आज मेरा लंच मैंने सिंपल में बनाया है क्योंकि मंडे में स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, संडे के बाद ऑफ पर थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ मैं, मुझे काम करने मन नहीं करता ज़्यादा क्योंकि संडे ऑफ मिल जाता है ना, इस वजह से आज के दिन थोड़ा चिट डे था मेरा। तो नॉर्मली मैंने किया है, तो आपको होपफुली आपको लंच बहुत पसंद आएगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।